हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन नेशनल इंटरनेशनल लॉजिस्टिक जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि लॉजिस्टिक क्या होता है और साथ में हमने इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की डेफिनेशन को देखा था तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिफर किस तरीके से करती है तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है नेशनल लॉजिस्टिक इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ गुड्स विद इन अ कंट्री वायर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ गुड्स बियॉन्ड द कंट्री बाउंड्रीज अब इन दोनों के बीच का पहला डिफरेंस ये आता है अगर हम नेशनल लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अगर सामान को पहुंचाया जाता है तो बस उसके अंदर जो कंट्री होती है वो सेम ही रहती है बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स के बीच के अंदर उनको पहुंचाया जाता है एक सामान से ले दूसरी जगह पे उसको पहुंचाया जाता है जैसे कि कोई सूरत से हमने साड़ी मंगाई तो वो जो साड़ी है वो दिल्ली तक आ रही है तो बस कंट्री तो सेम ही है बट स्टेट डिफर करता है साथ में अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की तो इसके अंदर क्या होता है हम दो डिफरेंट कंट्री के बाउंड्रीज़ के बारे में बात करते हैं जैसे कि हमने यू एस ए से क्रूड ऑयल मंगाया तो वो किस तरीके से इंडिया के अंदर आएगा तो वो आता है एग्जाम्पल हमारा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का इसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है नेशनल लॉजिस्टिक हैव मल्टी transportation option like rail road water and air road is widely used international logistics have limited option like water अब इसके अंदर आता है नेशनल लॉजिस्टिक के अंदर हमारे पास डिफरेंट मोड होते हैं जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन उसका कर सकते हैं जैसे कि रेल हो गया रोड हो गया वाटर हो गया एयर हो गया और अगर हम वहीं पे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की बात करें तो वहाँ पे थोड़े लिमिटेड ऑप्शन होते हैं अगर हम वहाँ से एयरलाइन से कोई सामान आता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है तो इसके अंदर ज़्यादातर जो कंट्रीज़ होती है तो वो किसके अंदर ट्रेड करती है जैसे कि जो वाटर वाटर बेस होता है ना उसके अंदर जो मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वो वाटर बेस के थ्रू होता है इसके बाद में इसका थर्ड पॉइंट आता है नेशनल लॉजिस्टिकव हैव डील विद द वन गवर्नमेंट रूल वाइल इंटरनेशनल हैव टू डील विद एटलीस्ट टू गवर्नमेंट रूल अब नेशनल लॉजिस्टिक के अंदर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है उस रूल्स को मानना पड़ता है वहीं पे जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक होता है वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट रूल होते हैं उनको मानना पड़ता है इसके बाद में यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है National logistic cost includes like store facility transportation worker and technology international logistic involve all the above along some extra like tariffs government tax fees etc अब नेशनल लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या होता है सिर्फ हमें जैसे वर्कर्स की फीस हो गई टेक्नोलॉजी हो गया स्टोर फैसिलिटी हो गई ट्रांसपोर्टेशन हो गया इन सब की कॉस्ट को बियर करना पड़ता है बट वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की बात करें तो ये सारी कॉस्ट तो होती ही है साथ में जो दो, दो जैसे डिफरेंट कंट्रीज है तो उनके जो अलग अलग टैक्सेशन के रूल्स होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा टैरिफ रूल्स होते हैं गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं साथ में जो फीस होते हैं तो उन सबको भी साथ में फॉलो करना पड़ता है इसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट आता है नेशनल लॉजिस्टिक ऑपरेटर यूजुअली हैज़ द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स ऑल एलिमेंट इन पर्टिकुलर रेगुलेशन ऑल द कॉस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम मैनुफैक्चर प्रोडक्शन टू द डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर द सप्लाई चेन अंडर द नेशनल गवर्नमेंट अ कॉमन लैंग्वेज अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल इंडाइसिस इंडिकेटिंग द चेंजिंग मार्केट ट्रेंड टैक्सेशन लेवल एम्प्लॉयमेंट लॉ कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एंड कॉम्पिटेटिव लॉ वैल इंटरनेशनल लॉजिस्टिक ऑपरेटर डू नॉट हैव दिज एडवांटेजेस, दे आर अपॉन टू हायर रिस्क एंड नीड टू डू गुड रिसर्च अब जो नेशनल लॉजिस्टिक ऑपरेटर होते हैं ना उसके पा, उसके पास में ये सारे एडवांटेजेस होते हैं कि इसके अंदर उसे मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर इन सब के बारे में पता होता है सप्लाई चेन के बारे में पता होता है उनको एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं इसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशन उनकी जैसे सेम होती है बट वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के अंदर देखें तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है जैसे लैंग्वेज इशू आता है साथ में जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनकी वजह से इशू आता है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से आता है इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कहीं पे वर्ल्ड लाइक सिचुएशन होती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनके ट्रेड के बीच में एम्प्लॉयमेंट लेवल की वजह से भी होता है टैक्सेशन लेवल की वजह से भी उनके जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो ये सब जो एडवांटेजेज़ है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं तो ये थे आज की वीडियो में इन दोनों के बीच के कंपैरिजन तो आज की वीडियो में हमने नेशनल इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के बीच में कंपैरिजन देखा है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग